ऐसे में सभी को शेयर मार्केट ऐसा ही एक टेक्निकल लगता है जहां से कि वो कम समय में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए वो अक्सर ऐसे शेयर मार्केट टिप्स की तलाश में रहते हैं जो कि जल्दी से इस्तेमाल कर अमीर बन सके। तो चलिए ऐसे ही कुछ शेयर मार्केट टिप्स के विषय में जानते हैं जिन्हें की सभी बिगिनर इन्वेस्टर को निर्धारित रूप से जानना चाहिए। मांझी आपके बिजनेस में राम बाबू यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज हो उसमें अपना हाथ आसमाने से पहले आपको उसे पहले सही तरीके से जानना होता है। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में शेयर मार्केट को भी पहले आप सीखना होता है तभी आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बिना शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग उसमें दूर भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिसर्च ही है जो आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि बॉस चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, सभी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही बढ़िया रिटर्न प्रदान करते हैं। ऐसे में आपको भी शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म मानकर ही करें, तभी आपको उसमें प्रॉफिट हो सकती है। यहाँ रिस्क टॉलरेंस कहने का मतलब यह है कि सभी की अपनी एक रिस्क लेने की सीमा होती है जिसके तक ही उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका लॉस हो या प्रॉफिट। ऐसे में क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है इसलिए इसमें इतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि रिस्क आप उठा सके, क्योंकि यदि आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तब अगर आपकी लॉस हो जाती है तब आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो तैयार करें। रिसर्च और प्लानिंग करें। किसी भी फील्ड से आप क्यों ना हो, सभी में अच्छी रिसर्च और प्लानिंग की काफी ज्यादा महत्व होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म के सक्सेस में यही रिसर्च और प्लानिंग ही आपकी सबसे ज्यादा काम आती है। बहुत शेयर के सिलेक्शन करने के दौरान उनमें छह तरीके से रिसर्च करें जिसमें आपको बाद में पछताना ना पड़े। शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना इमोशन खो बैठते हैं जिसके चलते ही आपको काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, कहीं तक जाकर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसमें आपको मुनाफा या नुकसान दोनों में से कोई एक हो सकता है। सभी सब्जेक्ट की तरह ही शेयर मार्केट के भी कुछ बेसिक होते हैं जिन्हें कि सभी इन्वेस्टर को जरूर से समझना चाहिए। इसलिए शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसमें सभी बेसिक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ऐसा करने पर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट में सफल बन सकते हैं। आपको भी दूसरे सफल इन्वेस्टर की तरह ही अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता होती है। आपको अपने सभी पैसे एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए बल्कि अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के शेयर को रखना चाहिए जिससे आपको इन्वेस्टमेंट का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। वही से आप अपने रिस्क को कम भी कर सकते हैं। किसी के बहकाने में कभी मत आइए। आपको हमेशा उन कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं और उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। ये थे कुछ ऐसे ही शेयर मार्केट टिप्स जो कि आपको आगे की शेयर मार्केट के सफर में काफी मददगार होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।